आरकेबीएस कॉलेज में आज शिक्षा का अलख जगाने वाले एवं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अलकनाथ पांडे द्वारा होली मिलन का आयोजन किया गया। आज गढ़वा जिले में होली का आगाज किया गया। हमारे साथ सभी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? होली का आगाज किया गया, आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। साथ ही साथ अभी पूरे जिले में सांसद प्रतिनिधियों का चयन माननीय सांसद बी डी रामदेव किया गया। आज दोनों कार्यक्रम हो गया, होली मिलन भी हो गया, साथ ही साथ उनको सम्मान समारोह भी हो गया। कार्यक्रम में हम लोग यह प्रयास किए हैं कि सभी जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाए। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि बड़ा अच्छा गायन भी होली के अवसर पर हुआ है, और आज के अवसर पर हम उम्मीद करेंगे कि जिनका सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं वे लोग भारत सरकार के किए कार्यों को सही तरीके से हम लोगों तक पहुँचाएँगे, उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा, यह हम लोग आज यह भी उम्मीद करेंगे। साथ ही साथ हम माननीय सांसद को आपके माध्यम से धन्यवाद देंगे कि बड़े सही लोगों का चयन हुआ है इस काम के लिए। जिस तरह से राज्य की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, उसमें एकमात्र व्यवस्था यही है कि इन लोग मिलजुल के जो भी अभी जेएम की सरकार के द्वारा जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं या जो जनहित में बहुत से काम नहीं हो रहे हैं, उस काम को धरातल पर उतारने का प्रयास लोग करेंगे। आज के अवसर पर हम आपके माध्यम से सभी को होली की शुभकामना देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल हम लोग कोरोना से मुक्त होकर पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से होली मनाएंगे। धन्यवाद। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति बुलाते हैं, आर के प्रभारी महाराज मुकेश रंजन सिन्हा जी भी हैं, क्या कहेंगे आज? आज हम लोग होली मिलन समारोह आयोजित करके माननीय अलकनाथ पांडे जी के नेतृत्व में, और मन में था कि साल की समाप्ति हो रही है, जो हम लोगों का वर्ष प्रतिपदा होता है उसकी समाप्ति हो रही है, तो सब लोगों के साथ एक बार मिलना जुलना हो जाए और होली का शुभकामना दे लें ले लें, इसी मनोभाव के साथ हम लोग यहाँ जमा थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिनाथ सिंह जी, अलकनाथ पांडे जी, अन्य वरिष्ठ लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी उपस्थित हैं। तो एक बार मिलना जुलना हो गया, और एक आयोजन उसमें यह भी शामिल था कि माननीय सांसद के द्वारा पूरे जिले में सभी प्रखंडों में प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे, तो उनको भी हम लोग सम्मानित कर दें, और जो लोग दूर दूर थे एक बार एक दूसरे से मुखातिब हो सकें। आज के रोज क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं भाई अलकनाथ पांडे जी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि यह जो आयोजन हो रहा है यह धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। नए लोगों को नए जिम्मेवारी माननीय सांसद द्वारा दिया गया है, उनको पूर्ण रूप से जिम्मेवारी निर्वहन के लिए माननीय सांसद जिन्होंने दिया है पांडे जी ने उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ विशेष परिस्थिति में, क्योंकि राज्य में सरकार नहीं है विपरीत सरकार है, तो भारत सरकार की उपलब्धि और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की गड़बड़ियां हैं उसको उजागर करने का दायित्व तो निभाने का जो आज जवाबदेही दिया गया है प्रतिनिधि को, यह बहुत ही अच्छी बात है। इससे पार्टी को भी संगठन को मजबूती मिलेगी और जिम्मेवारी भी लोग समझेंगे, चूँकि इसकी आवश्यकता है। आज यह महसूस कर रही है आम जनता, झारखंड की जनता ठगा महसूस कर रहा है, जिस आशा और विश्वास के साथ सरकार का परिवर्तन किया था उसके विपरीत, क्योंकि 15 महीने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावे आम जनता का विकास से लेकर के अधिकार जो है रुका पड़ा हुआ है। और विशेष रूप से इस अवसर पर यह भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे को लेकर के पिछली सरकार को जो झटका लगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार थी अकबर सरकार को, उसका मुख्य उद्देश्य था भूमि से संबंधित था, जो आज भी समस्या बनी हुई है। एक अध्यादेश तो लागू किया
वर्तमान की सरकार ने, लेकिन उसको अनुपालन नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कागजी कार्रवाई के रूप में रह गया है, आम लोग फिर महसूस कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है पारा शिक्षक का। पारा शिक्षक का कितना बड़ा आंदोलन पिछले 19-20 साल से चल रहा है, 3 महीने में इसको समाप्त करने का सरकार ने घोषणा किया था, 3 महीना क्या 13 महीना हो गया, आज भी पारा शिक्षक सड़क पर हैं, लाठियां खा रहे हैं। अब जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं उनको नोटिस मिल रहा है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो पिछली सरकार इस सरकार में क्या अंतर हुआ? आम जनता तो त्रस्त है। इसलिए आज की जो यह कार्यक्रम है धार्मिक उत्सव के साथ साथ, चूँकि हमारा हिंदू रीति के साल हमारा ख़त्म हो रहा है, आने वाला वर्ष हमारा जो होगा उसकी शुभकामना है, और राजनीतिक जवाबदेही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से लैस करने के लिए कार्यक्रम जो रखा है माननीय अलकनाथ पांडे जी, इनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। क्या कहेंगे? बस गढ़वा और पलामू जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गढ़वा और पलामू जिला की जनता को होली की शुभकामना बधाई। जो आयोजन किया गया था, आयोजन था होली मिलन के साथ साथ, लोगों में यह था कि जो सांसद द्वारा जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी का निर्वहन करें और अच्छे से।